सलाद को इग्नोर करना क्योंकि मम्मी और मैं हम दोनों मिलके अभी पैकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ना मम्मा मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले ये जो मेकअप का है ना ये पैक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं ज्वेलरी पैक कर लूँ। हाँ, बाद में कपड़ों के आराम से करेंगे। तो अब हमारी वैकेशन ट्रिप टू उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश फाइनली स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा, उसी हिसाब से मैं अपनी स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स पैक कर रही हूँ। मैंने ना सारा सामान अलग अलग पैक किया है, जैसे ये शैम्पू, कंडीशनर, फिर ये जो फेस वॉश वगैरह होता है ये, और उसके बाद में मैंने ना मेडिसिन भी ली है। कभी मम्मी को पापा को दोनों को काम आ सकता है ना, इसीलिए इसमें मेकअप का सामान नहीं, इसमें मेकअप का नहीं, इसमें स्किन केयर का सामान है, परफ्यूम्स है और वो साइड में मेकअप का सामान है। इसमें मैंने मैक का जो है ना मेरा प्रोडक्ट जो टूट गया है पाउडर, वो अलग से रखा है क्योंकि वो इधर उधर फैल जाता है ना मेकअप के इसमें। और ये रहा मेरा मेकअप का सामान, देखा सब अलग अलग पैक किया मैंने। और मम्मी ने देखो ज्वेलरी कैसे पैक की, ये रही बिंदी क्योंकि मैं इंडियन वेयर्स भी बहुत सारे पहनने वाले हूँ इसीलिए। और ये पूरा ज्वेलरी का डब्बा, इसमें एयरिंग्स और क्या क्या है, बस एयरिंग्स और रिंग है हाथ में। अच्छा, एयरिंग्स और रिंग्स है। तो ये जो बैग है ना, इस पे यूट्यूब लिखा हुआ है, तो ये है ना यूट्यूब ने मुझे गिफ्ट भेजा था, तो इसमें ना मैं अपना सारा ज्वेलरी मेकअप सब इसी में पैक कर लेती हूँ। आज है ना मेरी पूरी फैमिली है ना, ये है ना सब वेकेशन पे ट्रिप पे जा रही है। और देखो अभी तक है ना दीदी उठ वाली नहीं है, दीदी अभी सोए वाली, अभी एकदम ऐसे घुर घुर करके सो रही दीदी। अभी पप्पा उधर है ना कृष्णा को गए उठाने के लिए, ये देखो ये आ गया मेरा भाई कृष्णा, पापा उसको उठाया और अभी ये ना इधर आके ना ये दीदी के यहाँ पे ऐसे सो जा रहा है यहाँ पे। अभी मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि कृष्णा अभी मार खाने वाला है मार। ए दीदी पापा आ गए, उठ जल्दी। ए उठ रहे क्या, चलेगा नहीं ना इधर को, उठो जल्दी से, कब से उठा रही इनको। चल डिब्बू, मम्मा प्यारी, ए मम्मा प्यारी, ये मम्मा प्यारी और ये मम्मा प्यारी, तेरे को नहीं आने का ना हमारे साथ में, इसको नहीं लेके जाएंगे। देखो मैं क्या बोल रहा था, जिसको जाने का जाओ, जिसको जो नहीं जाने का मत जाओ, लेकिन ना मेरे लिए एक मोबाइल घर पे छोड़ के जाओ। कृष्णा तूने चल रहा हमारे साथ में वेकेशन पे, चल रहा तो फिर उठ, उठ जल्दी, चल 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 चल, शाबाश उठ जल्दी। तुम लोग कितने दिन से एक्साइटेड थे, आज जाने का दिन आ रहा तो उठ रहे नहीं। उठ उठ आप सब नहा लो फिर उठाओ ना। नहीं नहीं उठ उठ चल चल चल। अगर तुम अभी 5 गिनने तक उठे नहीं तो तुम दोनों में से ना वेकेशन पे कोई नहीं आ रहा। ये क्या है, मेरे मम्मी ने ना रात को 12 बजे तक जाग के इतनी सारी पैकिंग कर दी, लेकिन ये ऐसे कैसे पैकिंग की है। नहा के रेडी हो गई और मैंने नाइट ड्रेस इसीलिए पहने बिकॉज है ना आज का हमारा पूरा दिन ट्रैवल में ही जाने वाला है, तो क्यों यार फिर जीन्स लेगिंग्स ऐसे पहन के बैठना, एकदम कंफर्टेबल नाइट ड्रेस पहन के चलो, पूरा दिन गाड़ी में ही तो जाना है। और देखो यहाँ पे मेरी नानी है ना हम सबके लिए खाना बना रही है। नानी बोलती है कि जब भी तुमको बाहर जाना होता है ना तो तुम खाना खा के ही जाया करो, मैं घर का खाना बना के दे रही है क्योंकि यार अभी है ना घर का खाना हम बहुत मिस करेंगे। नानी के हाथ का खाना बहुत मिस करेंगे। और बताओ नानी आपने क्या क्या बनाया। और नानी ने है ना मतलब है ना 10-15 दिन पहले ही चिवड़ा भी बना के रखा है। हाँ जैसे स्नैक्स के लिए चिवड़ा खाता है ना वैसे ही। तुम घर सिट्टी क्यों मार रहे हैं मेरे को देख के, भाड़ी क्या हो गया देखो। अच्छा मंदी बर्फ के टुकड़े टाकले अच्छा मंदी, वाओ बर्फ का पानी, ठंड पानी रही और इस पर पानी भी डाला है ना साइड से, बर्फ भर ले अच्छा मंदी, वाह। यार देखो ना नानी हम बाहर जा रहे हैं तो कितनी मेहनत करती है, किस किस की दादी और नानी ऐसे करती है। बाहर जा तो ना तू, गेमिंग रूम में अपना लैपटॉप पैक करने के लिए। कल मैंने लैपटॉप पैक नहीं किया था क्योंकि यार इसको पैक करने के लिए कहाँ इतना टाइम लगता है, क्योंकि यार इसके बिना मैं आप सबके साथ वीडियो कैसे शेयर कर पाऊंगी ना, इसीलिए ये सबसे मेन चीज है। ये देखो हो गई मेरी लैपटॉप की बैग पैक, बाय बाय मेरी गेमिंग रूम, हम जल्दी मिलेंगे। मैं
आगे गाड़ी में ना सारा सामान रखने के लिए, क्योंकि क्या एकदम अच्छे से अरेंज करके रख देंगे ना सामान, तो फिर जब जाने का टाइम होगा ना तब सिर्फ गाड़ी में आके बैठ जाएंगे। और देखो ये जो गद्दा है ना, ये हमने रात में ही फुला के रखा था, ये देखो मस्त इस पे सो के जाएंगे। बस बस थोड़ा थोड़ा देखो नानी है ना यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म रोटी बना के दे रही है, तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। फिर सबने खाना खा लिया, बस मैं और मम्मी बाकी है। बच्चे एक्साइटेड है तू? हाँ। कितना? बहुत ज्यादा, 100%। कृष्णा ध्यान ठेव बाबू यांच्यावर, तिकडे लावून चालले ते चिकू, आई का ध्यान रख, घर का ध्यान रख। तुम इधर है ना, घर का टेंशन मत लो, मैं ना इधर बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है घर को संभालने के लिए। आई को संभाला अच्छे से। चिकू ऐसे मत करना, जाने के टाइम पे इतनी जिद अच्छी नहीं है बच्चा। दीदी तू जल्दी से बड़ा हो जा, तेको भी लेके जाएंगे ठीक है? देखो मेरी मम्मी इमोशनल हो गई, चलो ना। ऐसे नहीं रोते, हम 15 दिन के बाद में आने वाले हैं ना चिकू के पास। चिकू भी जल्दी से बड़ा हो जाएगा, उसको भी साथ में लेके जाया करेंगे हम। देखो निकलने से पहले ना हम ये नारियल फोड़ेंगे, ये शुभ माना जाता है। बाय मामा। बाय दीदी। बाय नानी, वहीं पे रुकी है बालकनी में। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं मोस्ट अवेटेड वेकेशन के लिए, जिसका रास्ता ना हम कितने दिनों से देख रहे थे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। कृष्णा सो गया क्या? कृष्णा मस्त सबसे पीछे वाले सीट में जाके सो गया, अभी वो दिन भर आराम करेंगे, है ना पापा? सो ना, क्या प्रॉब्लम? स्पीड ब्रेकर अहेड। कितना एक्साइटेड लग रहा है यार मेरे को, है ना, मतलब हम ऐसे मोस्ट अवेटेड वेकेशन के लिए निकले हैं ना मम्मी। हाँ। और कृष्णा भी इस बार साथ में, तो और ज्यादा मजा आएगा। So, अभी हम है ना इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस घाट पे लग गए, जिसका नाम है ना 40 गांव घाट है। आप है ना एक बार सर्च करके भी देख लेना, जिसके है ना राइट साइड से है ना खाई खाई है। रुको मैं आप सबको दिखाती हूँ, देखो इसकी राइट साइड है ना पूरी खाई खाई है। उसको है ना ऐसे बाउंड्री भी नहीं है, ऐसे बॉर्डर भी नहीं है साइड में। हाँ, तो बॉर्डर भी टूटे वाली है उसके, ये देखो बैरिकेड्स भी टूटे वाले सब उसके, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यहाँ पे ओवरटेक करने का। ये देखो ये ओवरटेक। चॉकलेट वाला मैं नहीं खा रही, मैंने खाना खाया था, मम्मी ने है ना खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। क्यों मम्मी? मम्मी से है ना गले से खाना ही नहीं उतर रहा था, क्योंकि मम्मी है ना चिकू को ये कर रही थी कि चिकू को छोड़ के जाना पड़ेगा, ये वो रो भी रही थी मम्मी। पापा आपको पता है मम्मा इमोशनल हो गई थी बहुत। बच्चे क्या कर रहा तू? इंजॉय हो रहा किधर ऐसे सो के? गाड़ी रुकाना, गाड़ी रुका जल्दी, उधर पीछे लो पीछे, वहाँ पे है ना रेडियम की शॉप थी, वहाँ पे रुकाना प्लीज। क्यों? वो मुझे ना अपनी गाड़ी के पीछे बिंदास कावे लिखना है। चलो ना पलटा लो ना, पीछे लिख दूंगी मैं एक बार बिंदास कावे, तो फिर क्या है मस्त मजा आ जाएगा। तो देखो मैं ना जिस भी सिटी से गुजरती हूँ ना, फिर आप सब लोग मुझे बोलते हो कि दीदी आपने हमको बताया क्यों नहीं कि आप हमारे सिटी में आ रहे हो, हमें मिलना था। तो इसीलिए ना मैं अपनी गाड़ी के पीछे ना बिंदास कावे लिख दूंगी, ताकि आप सब लोग मेरी गाड़ी पहचान सको और आपको है ना मिलने में भी आसानी हो। चलो पापा मैं बताती हूँ। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है। पकड़ो आप फोन, ये यहाँ पे लिखना है भैया, इतना है ना
ना यूट्यूब चा लोगो पण पाहिजे नी तो बिंदास खावा पाहिजे. फाइनली अभी है ना मेरी गाड़ी पे ये जो यहाँ पे है ना बिंदास कावे यूट्यूब ऐसे लग जाएगा. मुझे ना बहुत दिन पहले ही लगाना था फिर मैं भूल गई फिर हो गया तो अभी मम्मी को याद आया तो चलो हम लगा लेंगे फाइनली. अभी है ना मेरी नींद हो गई है मस्त इसी में सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए. तो पापा अभी है ना कहीं खेत में देख के रुकाओ ना हमने ना घर से टिफिन लाया तो मस्त टिफिन खाएंगे ठीक है. मुझे है ना बस जल्दी से खाना खाना है खेत में बैठ के मस्त फिर उसके बाद में ना मैं पीछे चार के ना थोड़ी देर सो जाऊंगी और मम्मी सामने आ जाएगी. मैं नहीं आने वाली सामने. क्यों पापा का भी ना जमता है. क्यों पापा हमारा नहीं जमता हमने नहीं आप हमसे कोई अनकंफर्टेबल नींद नहीं आ रही सामने. मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको जो करने करो जिसको जहाँ बैठने का बैठो देखो खेत आगे हारा पड़ा. हाँ हाँ रुको पीने के लिए और ये पानी है ना चालू भी है ऐसे इधर से. वाओ आ जाओ जल्दी से यहाँ पे पानी भी है पीने के लिए. तो हमने ना घर से ही ये जो रेड वाली चटनी होती है ना शिंगदाने की चटनी ना मम्मा शिंगदाने की चटनी और रोटी लाई है मस्त यहाँ पे बैठ के खाएंगे हम इसको. तो अभी है ना मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ मस्त बिछा के हम यहाँ पे खाना खाएंगे और मम्मी को पता ही नहीं था यहाँ पे ये पानी चालू भी होता है तो मम्मी है ना एकदम से खुश हो गई. सामने सड़क पानी उड़ेगा ना वहाँ तक. अच्छा यहाँ तक उड़ेगा क्या पानी. मीठा पानी मस्त एकदम. सारी उड़ गया आपके साइड में पानी. अच्छा है ना मम्मी आपका ऐसे सपना था ना ऐसे खेत में बैठ के हम खाना खाए. हाँ. देखो नानी ने कैसे हमको चपाती पैक करके दी है. और ये रही शिंगदाने की चटनी. कैसे लग रहा बच्चे यहाँ पे खाना खा के. मस्त लग रहा हाँ ऐसा खेत में बैठ के खाना खाने का. पता ही नहीं ये वाला केली का है. अच्छा देखो हम ना यहाँ पे रुके थे शिरपुर गाँव ना यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है. मम्मा फाइनली आप सामने बैठ ही गए ना पापा के साथ. तेरी वजह से बैठ गई नहीं तो नहीं बैठती थी. पापा कुछ नहीं बोल रहे हो. मैं क्या बोलूँ मैं गाड़ी चलाऊंगा मेरा और क्या. हाँ उनके पास कोई शब्द नहीं मेरे लिए. तो अभी है ना थोड़ी देर में नर्मदा नदी आने वाली है और जब भी है ना मैं नर्मदा नदी के पास से जाती हूँ ना तो मैं है ना हमेशा नर्मदा नदी के दर्शन करती हूँ क्योंकि है ना वो नदी से है ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी याद जुड़ी हुई है.
तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अपने लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो अभी ना हम लोग रुके चाय पीने के लिए, बिकॉज आप सबको तो पता ही है कि मम्मी और मैं हम दोनों कितने बड़े चाय लवर है। कौन कौन चाय लवर है बताओ कमेंट में। तो कि आज चाय नहीं पीना तो हमारा बहुत ऐसे सर दर्द हो रहा है, तो हमने पापा को बोला कि चाय पीने के लिए रुक दो, तो हम रुके। चलो मैं बाहर लेके चलती हूँ आपको। और मम्मी द चाय लवर कैसे लग रहा है? अभी चाय पीने के लिए उतरे हैं तो देखो मम्मी का चेहरा कैसे खिल गया है। अच्छा लग रहा है, अभी ठंडक पड़ गई। अभी तो चाय पी भी नहीं, आधा सिर दुख रहा, अभी रुक गया है। हाय बच्चे, तू क्या ले रहा? फैंटा? चाय नहीं पिएगा हमारा बच्चा। मैं फैंटा लवर है। हाँ, तू फैंटा लवर है, बैठ जा नीचे। ये देखो, ये 2020 बिस्किट है ना, मेरा फेवरेट बिस्किट है, मैं बहुत खाती हूँ ये बिस्किट। तो चलो हो गई हमारी चाय पी के। पापा रुको, पापा से पूछते हैं आज का हमारा स्टे कहाँ पे, आज हम कहाँ पे रुकने वाले हैं? आज अपन रुकने वाले इंदौर में। इंदौर में? तो यहाँ से इंदौर कितना दूर है? ये क्या मीठी सोप लाई आपने? हाँ, गुटका नहीं है, सोप है। हाँ। सोप है, ये देखो ध्यान से, सोप है ये। हाँ। देखो अभी हम है ना थोड़ी देर में इंदौर पहुंचने वाले हैं ना, तो शाम को हम है ना
इंदौर की खाऊ गली में जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड है, तो हम सारे स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। तो मम्मी है ना यहाँ पे वही स्टडी कर रही है, दिखाओ मम्मी वो क्या है। कोकोनट क्रश, मतलब वहाँ पे फेमस है डिश, वो हम भी खाएंगे। वहाँ पे जितनी जितनी फेमस डिश है ना, हम वो सारी खाएंगे। क्यों पापा? खाओ बाबा, खाने के लिए मैं थोड़ी मना करता। बहुत सारी यम्मी यम्मी स्ट्रीट फूड है, और बच्चा तो हमारा मस्त खाएगा। अब इंदौर के खाऊ गली का हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।